हॉस्टल वार्डन की रेप के बाद हत्या, चार बच्चों के पालन पोषण के लिए करती थी टिफिन का बिजनेस। शहर के काकादेव थाना क्षेत्र स्थित गीतानगर में गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। बुधवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी कुलदीप उर्फ अर्जुन यादव को गिरफ्तार कर दुष्कर्म और हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। डीसीपी सेंट्रल प्रमोद कुमार ने बताया कि महिला मूल रूप से हरदोई की रहने वाली थी। वह काकादेव के गीतानगर के एक गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन के तौर पर काम करती थी और पिछले कई सालों से टिफिन का व्यवसाय कर रही थी। महिला के पति का 5 साल पहले निधन हो गया था। महिला अपने 3 बेटों और 1 बेटी के साथ रहती थी। इस मामले में मृतक की बेटी ने पुलिस को बताया कि सोमवार की शाम उसकी मां घर में अकेली थी, वह दूध लेने गई थी। इसी दौरान अर्जुन यादव उसके घर पर आया था। डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि अर्जुन यादव महिला से जुड़कर पिछले काफी समय से टिफिन की डिलीवरी देने का काम कर रहा था। जब बेटी दूध लेकर घर वापस लौटी तो काफी समय तक अर्जुन यादव ने गेट नहीं खोला था। गेट खोलने पर बेटी ने घर के अंदर अपनी मां को अचेत अवस्था में पाया। महिला के सिर से खून बह रहा था। क्षेत्रीय लोगों की मदद से महिला को उसकी बेटी ने अस्पताल में भर्ती कराया। यहां अस्पताल में चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया था। इस मामले में मृतक की बेटी ने अर्जुन यादव पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी अर्जुन यादव ने बताया कि सोमवार को महिला ने काफी शराब पी थी जिससे गिरकर उसकी मौत हुई है। बुधवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने तुरंत अर्जुन यादव को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। आरटीआई न्यूज 24 के लिए सूरज कश्यप की रिपोर्ट। देखिए, 13:14 की रात्रि हॉस्पिटल हैलेट से हमें एक सूचना प्राप्त होती है जिसमें एक महिला उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो चुकी होती है। तो तत्काल पुलिस जो है एक्शन पे आती है, घटनास्थल का मुआयना किया जाता है। उच्च अधिकारियों द्वारा भी वहाँ पे पहुँच के जो भी चीज़ें वो देखा गया, उसके बाद परिजनों से वार्ता की गई, उनसे तहरीर प्राप्त किया गया। मौत के कारण स्पष्ट नहीं थे। परिजनों के तहरीर के आधार पे 302 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और चूँकि मौत जो है मृत्यु संदिग्ध हालत में थी, इसीलिए पैनल से पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट हमें कल प्राप्त हुआ है। उसके आधार पर 376A धारा की बढ़ोतरी की गई और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सर, शुरू में उसकी बेटी ने कहा था कि 4 लोग आए थे, जाहिर सी बात है प्लानिंग थी कि 2 लोग उसको बेटी को लेकर बाहर चले गए, उसके बाद 2 लोग वहां रह गए, अंदर से दरवाजा बंद था, बेटी ये भी कह रही थी। अगर ऐसा मामला था तो सबके सभी आरोपी बनते हैं उसमें, अभी तक क्यों नहीं बने? और दूसरी चीज, पूरे कमरे में खून के छींटे लगे हुए थे, तो क्या पुलिस ये समझ नहीं पाई खून के छींटे कैसे आए? जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पे 4 लोग थे, अभी तक जितने भी हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं उस एविडेंस के हिसाब से जो मुलजिम एक है कुलदीप यादव, उस पर पुष्टि हो रही है। बाकी जो अभियुक्त हैं वो हमारे हिरासत में हैं, उन सब से गहनता से पूछताछ हो रही है और जैसे भी हमें फैक्ट्स मिलेंगे, CCTV का अवलोकन किया जा रहा है, CDR का अवलोकन किया जा रहा है, उस हिसाब से पुलिस जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई करेगी। मृतक की बेटी ने बताया कि वो दो और जो उसके साथी थे वो साथ में ले गए, करीब 1 घंटे तक उसे टहलाते रहे, फिर वापस लाए। तो ऐसा आपको लगता नहीं कि उनकी भी इंटेंशन रही है? इन सब जो भी पहलू आप बता रहे हैं, इन सब पे गहनता से जांच की जाएगी और जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में घटनाक्रम क्या निकल कर आया, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, किस बेरहमी से मारा, क्या है? देखिए, अभी तक के जो मौत हुई है वो शॉक और हेमरेज से हुई है, जिसमें वजाइनल इंजरी है। तो उस महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई है। पूरा घटनाक्रम यही है कि इन लोगों ने वहाँ पे पार्टी करी है और उसके बाद जो है एक एक करके जो है व्यक्ति उसमें से निकलते गए। लास्ट में जब इसकी जो महिला की परिजन वहाँ पे पहुँचे हैं तो उसमें जो अभियुक्त है वही मिला था और उसी के टी शर्ट पे जो है ब्लड स्टेन थे, उसी आधार पे अभी उसको गिरफ्तार किया गया। तो गैंग रेप करने के बाद उसको मारा गया? नहीं, अभी इसकी पुष्टि कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि हमें मौके से सिर्फ एक ही व्यक्ति मिला है और इसलिए एक ही के खिलाफ धारा बढ़ गई है। नहीं, जिस हिसाब से हमने फुटेज देखा है कि जब एक एक करके निकले तो बेटी वहाँ पे मौजूद है, तो बेटी ने इसकी पुष्टि नहीं करी है, बेटी के सामने ही वो सारे लोग निकले हैं। 376 का की जो धारा है वो पत्नी से अलग रहने के व्यक्ति द्वारा की जाती है, तो ये जो धारा लगी है ये किस कारण से लगी है? देखिए, जैसे कि उसमें पोस्टमार्टम में आया है कि मौत के जो कारण है वो सेक्सुअल असॉल्ट है, वजाइनल इंजरी है, इसी की वजह से 376A की धारा लगाई गई है। किस तरीके की पार्टी थी, शराब पार्टी थी, आपको उस तरीके की पार्टी अक्सर वहाँ पर हुआ करती थी? जी, हमें मौके से मिला है, उसमें शराब भी पी गई है।
सुरक्षा सर पहले शराब की बोतल मिली थी, जगह जगह खून मिला था, बेटी का आरोप भी था, तो पुलिस ने तुरंत क्यों नहीं शुरू में रेप की धारा लगाई? देखिए, रेप की धारा लगाने के लिए सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि होना जरूरी है, इसीलिए जो है हम लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया था। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पीड़िता अगर कहती है, उसका पेरेंट्स कहते हैं, तो सीधे सीधे एफ आई आर होती है? पीड़िता तो कहने के लिए वहाँ पे थी नहीं, उसने डाइंग डिक्लेरेशन ऐसा कुछ दिया नहीं है। उनकी बेटी बता रही थी पूरा घटनाक्रम। देखिए, FIR जो हमें प्राप्त हुआ उसमें 302 की ही धारा बन रही थी, 376 की धारा नहीं बन रही थी। थानेदार ने लापरवाही की है। देखिए, इसमें जो कुछ भी आप लोग कह रहे हैं उन सब की कड़ाई से पूछताछ की जाएगी, जांच होगी, अगर ऐसा कुछ दिखता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल ये, बेरहमी मैडम, 3 दिन हो गए इस घटनाक्रम को, आपको लगता नहीं कि पुलिस बहुत देर से जांच पड़ताल और सारी चीजों को कर रही है? देखिए, ऑटोप्सी रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे थे, ऑटोप्सी रिपोर्ट कल शाम को आई है, जैसी रिपोर्ट आई है उसके आधार पर डॉक्टरों के बयान लिए गए हैं, उस आधार पर ही जो धारा है उसकी बढ़ोतरी की गई है। मतलब उसने क्या किया, मतलब पहले रेप किया, बाद में बेरहमी से हत्या की, उसके बाद जाने लगे चोट? देखिए, सेक्सुअल असॉल्ट तो है उसमें, बाकी पूरा जो क्रोनोलॉजिकल क्या इवेंट है इसके लिए उससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में प्रथम दृष्टया तो यही समझ में आ रहा है, को काफ़ी जिस हिसाब से उसकी हत्या की है काफ़ी वो क्रोधित है वो व्यक्ति, बाकी गहनता से पूछताछ करने के लिए हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे। सेक्सुअल असॉल्ट है उसमें, उसमें सिर पर भी चोट है, चेहरे पर भी चोट है। देश विदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।